जम्मू बस स्टैंड में चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो बेसिकली पुंछ के रहने वाले हैं, पर पहली बार जम्मू बस स्टैंड में आए जहां पर इनका एक पर्स चोरी हो गया जिसमें लगभग 12,000 रुपया कैश थी। इसके साथ ही इनका छोटा फोन जो है वो भी चोरी हो गया। अभी मैं आपको बताऊं, आप देखें इनकी पॉकेट में जो है वो पर्स था और इनकी पॉकेट ही काट कर जेब कतरा जो है वो पॉकेट। ये रात को मैं सोया इधर तो खाली 2 घंटे सोया, तो 2 घंटे में मेरा मैं उठ के देखने लगा तो मुझे पूरा मेरा मोबाइल भी और जेब भी मतलब पूरा कटा गया। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। तो आप पहली बार जम्मू बस स्टैंड आए थे? नहीं, मैं बस जैसे मैं कमरा लेता था मगर बस स्टैंड में मैं खाली 2 घंटे के लिए इधर पहली बार रुका हूँ, तो मेरे को इतना मालूम नहीं था क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ, उधर दिल्ली भी रहते हैं, मैं उधर समझो हमें पूरा बम्बई दिल्ली में घूमते हैं। तो मैं पहली बार इधर जम्मू में बस स्टैंड पर जैसे आया तो फिर 2 घंटे में मेरा इतना चोरी हो गया। मैं ऐसे 2 घंटे के बाद उठ के देखने लगा तो मेरे को ये हल्का लगा थोड़ा, तो मैं देखने लगा आगे मेरा वो जेब भी कटा था। कोई अंदाजा है कि कोई आपके पास उस समय गुजरा हो, कोई अंदाजा है किसने लिया होगा? नहीं कुछ नहीं, मेरे को कुछ अंदाजा नहीं। हाँ आप लेटे थे वहाँ पर, कोई कैमरा वगैरह आगे पीछे लगा? हाँ कैमरे तो है 1-2, मगर वो मैं कैमरे वालों को बोला तो वो बोलते इसमें क्लियर दिखता नहीं है। क्लियर नहीं दिखता। रात का टाइम था 3:30 बजे में उठा, मेरा चोरी पता नहीं 12 बजे आया 1 बजे आया, तो 1 बजे के बाद समझो मैं सोए 12 बजे थे। मैं 12 बजे सोया, 12:30 बजे 3 बजे आप उठ गए? हाँ 3 बजे उठ के। इसके बीच ही चोरी? इसके बीच ही चोरी हो गया। देखिए जम्मू बस स्टैंड में जब इस तरह की वारदातें बढ़ेंगी तो सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों पर भी पड़ेगा क्योंकि इनका पूरा सामान यहाँ पर दुकानों में। इतनी चोरी थी जितने अभी हो रही है, ना कोई स्कूटी है ना कुछ है ना कोई वो है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। बाकी रात के समय में ही होती है चोरियां, रात के टाइम दिन को भी बहुत हो रही है। कोई किसी का पैसा लूट रहा है, कोई मोबाइल चोर रहा है, कोई दुकान पे चोरी हो रही है, सामने सामने गले में पैसे ले रहे हैं, कोई दुकानों में भी चोरी हो, दुकानों पे ही हो रही है। कैमरे नहीं लगाए? कैमरे कहाँ, इधर बस स्टैंड की हालत देखो कितनी खस्ता है, इधर कोई रूल रेगुलेशन कोई नहीं है बस स्टैंड का, कोई स्कूटी नहीं कोई वो नहीं है। कितनी मुश्किल होती है जब इस तरह की चोरियां आती है दुकान चलाने में? 16 अगस्त 4:30 बजे सुबह की बात है, मैं दुकान पे काम कर रहा था, कस्टमर आया मुझे उसकी दुकान, हाँ मेरी बार्बर की दुकान है, कोई 4:30 का टाइम हुआ था 16 अगस्त को, मैं काम कर रहा था, कस्टमर शेव कराने आया मेरे पास, उसकी शेव की और एक और कस्टमर आ गया और मैं उसका काम करने लगा और उसने गले से फोन निकाला और जेब में डाला और मेरे को पैसे दिए जो भी शेप के पैसे और निकल गए। और आधे घंटे के बाद मैंने देखा तो गले में फोन ही नहीं है, तो कैमरा तो हमने लगाया था उसका फोटो डिलीट हो गया, समझ 16 तारीख की बात है, तो फोटो फोन नहीं मिला अभी तक, फोन नहीं मिला। कंप्लेन करा दी आपने? कंप्लेन कराई थी मैंने पर अभी तक नहीं मिला। इस तरह की वारदातें एक के बाद एक बस स्टैंड में पेश आ रही हैं, इस पर कड़े नियम बनाने की कानून बनाने की जरूरत है और यहाँ पर सिक्योरिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। देखिए आप बस स्टैंड में कैमरास तो इंस्टॉल्ड हैं बट इनका कहना ये है कि इसमें क्लैरिटी जो है वो नहीं है जिसकी वजह से पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बस स्टैंड की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं हम, जम्मू बस स्टैंड से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं उन्हें भी इसके चलते मुश्किल आएगी, अगर दिन दहाड़े इस तरह से चोरियां होंगी रात के समय में इस तरह चोरियों की वारदात पेश आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बस एक ऐसी जगह है जहां पर ओपन में सामान लगा होता है, दुकानों के बाहर भी डिस्प्ले किया होता है सामान, यहां से अनगिनत लोग गुजरते हैं और सिर्फ यहां के लोकल्स ही नहीं गुजरते हैं, नॉन लोकल भी यहां पर आते हैं जो बाहर से ट्रेवल करके आएंगे, अगर बस के थ्रू तो वो बस स्टैंड उतरेंगे, यहीं से अलग अलग जगहों की गाड़ियां लेंगे, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स की गाड़ियां हों, किसी को अमृतसर जाना है किसी को हिमाचल जाना है, यहीं से गाड़ियां जो है वो लेकर जाएंगे। पर इस तरह की चोरी की वारदातें जब यहां पर पेश आएंगी तो कितना मुश्किल यहां के व्यापारियों के लिए हो जाएगा अपनी दुकानों को चलाना या फिर यहां पर आम जनता के लिए हो जाएगा गुजरना। और आप देखें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अगर बाहर से कोई यहाँ आएगा, फर्ज कीजिए कोई अमृतसर से आ रहा है कोई हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, तो जम्मू के बस स्टैंड में इस तरह की चोरी की वारदातें देखकर कितनी शर्मिंदगी की बात है कि लोग किस तरह से इसे देखेंगे, लोग क्या कुछ उस पर समझेंगे। अभी आप देखें कि ये फिलहाल मार्केट की मैं बात करूं तो ये पूरी मार्केट है, सिर्फ इतना सा एरिया नहीं है बल्कि पूरी मार्केट है और पूरी मार्केट पे इसका सीधा असर पड़ता है जिससे दुकानदार भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, दुकानदारों को भी काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो आती है। और सीधे अगर आप नजर डालेंगे इस समय कि अगर कोई रात के समय भी यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आता है या कोई भी यात्री आता है तो उसको भी इसके चलते मुश्किल आती है क्योंकि वो भी यहाँ से ही अगर ट्रेवल करते हैं तो चोरी की समस्या जो है वो यहाँ पर भी लगातार आती है जिसकी वजह से लोग भी काफी ज्यादा परेशान है। अभी आपने कंप्लेन कराई आपका पर्स? अभी मैंने नहीं कराई, गया था ऊपर 3 बजे गया था तो बोले उधर गाड़ी वाले हैं उनके पास जाके मिलना जो पुलिस की गाड़ी लगती है, तो मैं गाड़ी के पास गया तो उधर मेरे को कोई नहीं मिला, गाड़ी बंद थी
तो फिर मैं वापस ऊपर गया तो वो बोले 10-11 बजे आना, 11 बजे के बाद तुम कंप्लेन करा सकते हो। अभी मैं फिर आपको बुलाया, मैं आपके भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने आपको फ़ोन किया, तो मैं फिर अभी जाऊँगा कंप्लेन कराने। अभी आप कंप्लेन कराने चौकी? हाँ अभी मैं जाऊँगा चौकी में जाऊँगा कंप्लेन करेंगे। देखिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, पर मुश्किल तो तब आती है जब यहाँ पर चीजें गुम हो जाती हैं, पर बावजूद उसके भी अभी तक कुछ ऐसी समस्याएं जो है वो भी लोगों को आती हैं जहाँ पर ये चीज मुश्किल आ जाती है, ढूंढने में चीजें मुश्किल आ जाती है। देखिए उनकी जेब ही जो है वो काट के चोर वहां से पैसे ले गया, जो एक बहुत कहीं ना कहीं हैरानगी की बात है कि इस तरह की चोरियां जम्मू में भी हो रही है। इस पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है, यहाँ पर गश्त को बढ़ाने की जरूरत है, सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जम्मू बस स्टैंड से इस तरह की वाकयात जो है वो सामने ना आए। आगे की जानकारियों के लिए देख रहे हैं आप टाइम्स पर। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।